नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, भाव खाने वाली स्त्री का पीपल का पत्ता से 5 मिनट में खतरनाक वशीकरण करने का तरीका। 5 मिनट में वो स्त्री आपके कदमों में आकर के गिरेगी। चाहे कितनों भी भाव खाने वाली स्त्री हो, पीपल के पत्ते के द्वारा वशीकरण करने का एक ऐसी शक्तिशाली, एक ऐसी अनोखा उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इस उपाय को अगर विधिवत तरीके से अगर आप कर देते हैं, तो ये स्त्री दिन रात आपका प्यार के बिना बेचैन रहेगी। रात का नींद, दिन का चैन उसका पूरी तरह से हराम हो जाएगा। वो स्त्री पल पल आपका प्यार में तड़पने लगेगी, पल पल वो स्त्री आपके प्यार में तड़पने लगेगी। अगर आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, उस स्त्री का प्यार को अगर आप पाना चाहते हैं, लेकिन वो स्त्री आपको भाव दिखाती है, वो स्त्री अकड़ दिखाती है, वह स्त्री मुंह फेर लेती है, तो आपको ये वशीकरण टोटके आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली साबित होगी। लेकिन पीपल के पत्ते से वशीकरण कैसे किया जाता है, उसकी तरीका, उसकी विधि को मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, वशीकरण की क्रिया और वशीकरण की प्रभाव जो करने वाले हैं, ये सदियों से चली आ रही है हमारे तंत्र शास्त्र में। बरसों से ये विद्या का प्रयोग की जाती है। यदि आपका प्यार आपको नहीं मिल पाता है, यदि पति पत्नी के बीच में अनबन होता है, पति पत्नी के बीच में प्यार कायम नहीं रहता है, शत्रु अगर आपको प्रबल हो जाता है, दुश्मन अगर आपको प्रबल हो जाता है, तो उस दुश्मन को भी आप वशीकरण करके उसको जो है आप अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं, यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, और उस स्त्री का प्यार को अगर आप पाना चाहते हैं, तो आज पीपल के पत्ते के द्वारा वशीकरण करने का एक बहुत ही चमत्कारी, शक्तिशाली और अनोखा वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूं। इसको कैसे करना है, इसकी तरीका और विधि को आप समझ लीजिए। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको इस क्रिया को करने के लिए 2 पीपल का पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। 2 पीपल का पत्ता आपको लेना है, एक आपको मौली धागा लेना है, एक आपको मार्कर कलम का आवश्यकता पड़ेगी, और थोड़ा सा कुमकुम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये सारे चीज को इकट्ठा कर लेना है, और इसको शुक्रवार के दिन में 2 पीपल का पत्ता सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप तो तोड़ लेना है, और तोड़ करके आपको रख लेना है दिन भर। थोड़ा सा उस सुख जब जाए, तो रात को 11 बजे के बाद में उस पीपल के पत्ते के ऊपर में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इस क्रिया को करने से पहले आप सामने में पूजा स्थान में बैठ करके धूप दीप अगरबत्ती जला दीजिएगा, और जला देने के बाद में आपको क्या करना है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर में उस स्त्री का नाम आपको लिखना है, और उसके बाद में एक प्लस का चिन्ह देना है, और नीचे में आप अपना नाम लिखिएगा। दोनों पत्ते में लिख करके सामने रखिएगा, और उस पर थोड़ा करके कुमकुम डाल दीजिएगा, और कुमकुम डाल करके और दोनों पत्ता को सामने में रख करके आपको इस मंत्र को जाप करना है 108 बार, उस नाम के ऊपर में देख करके। मंत्र इस प्रकार है, ओम कामख्या भैरवी अमुक स्त्री मामवश्यम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। ओम कामख्या भैरवी अमुक स्त्री मामवश्यम वश्यम कुरुकुरु स्वाहा। ओम कामख्या भैरवी अमुक स्त्री मामवश्यम वश्यम
कुरकुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार आप बोल लीजिएगा और बोलने के बाद में उसके पीपल के पत्ते को जो है आपको फोल्ड कर लेना है, कुमकुम के साथ मिला करके दोनों पत्ते को फोल्ड करके और दोनों पत्ता को एक साथ में रख करके और उसको जो लाल रेशम का धागा हो या मौली धागा से उसको लपेट करके आप तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा। शुक्रवार की रात को ये क्रिया करके आपको तकिए नीचे रख करके उसको सो जाना है और उसके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नहा धो करके आपको उसी पीपल का पत्ता को जो बांध करके रखे तकिए के नीचे उसको ले करके उसी पीपल वृक्ष के पास चले जाना है जहां से उस पत्ते को तोड़ करके लाए थे और उसी वृक्ष में जाकर के उस पेड़ के पास जाकर के उस पीपल का डाली भी उसको बांध देना है और बांध करके उस स्त्री का नाम लेकर के 7 गांठ आप उसको लगा दीजिएगा। बस इतना छोटा सा प्रयोग करके देखे वो स्त्री आपका प्यार के बिना नहीं रह पाएगी, वो स्त्री 5 मिनट में वो स्त्री आपका जो है मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी और आपका प्यार में पल पल तड़पेगी, आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगी। इसको आप जरूर अजमा करके देखे, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।